प्रेरणा कथा भाग्य और प्रेम। उस अंधेरे कमरे में हाथ में कॉफ़ी का कप पकड़े वो कमरे की बड़ी खिड़की की तरफ गई। वो एक बार फिर से अपने अकेलेपन में डूबकर यादों में खो गई। पिछले 5 वर्षों से पहली बार उसकी भावनाएं सजीव हो उठी थी। खिड़की से अंदर आती हुई ठंडी हवा ने उसके शरीर में एक कपकपी दौड़ा दी। कॉफ़ी पीते पीते वो काफ़ी देर तक खिड़की के पास ही खड़ी रही। चमकते हुए चंद्रमा की सुंदरता उसको मोहित कर रही थी। वो फिर से उसी प्रश्न पर लौट आई। हमारा भूतकाल हमारा पीछा क्यों करता है? भूतकाल के भय से उत्पन्न अत्याचार कब रुकेगा? मैं हमेशा खुशी से क्यों वंचित रह जाती हूँ? अपनी ही शिकायतों से उसकी आंखों में आंसू आ गए और गला भर आया। न तो वो अपने भूतकाल को भुला ही सकती थी और ना ही उसको पकड़े रह सकती थी। वो एक दोधार में थी, उसकी बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। फोन पिछले 15 मिनटों में कई बार बज चुका था। अंत में उसने फोन को उठा ही लिया। उसने तुरंत ही अपनी कार की चाबियां उठाई और कार की तरफ दौड़ चली। सड़क पर कार चलाते हुए वो रोने लगी। उसका मन दुख रहा था। वो उसके लिए तो जी रही थी और अब अगर उसको कुछ हो गया तो वो क्या करेगी? उसके बचपन के भय फिर से उसका पीछा करने लगे। उस सुबह मौसम बिल्कुल साफ था और सूरज चमक रहा था। सुबह उठने के साथ ही उसने अपनी माँ को खोजना शुरू कर दिया था। वो माँ के कमरे की तरफ दौड़ी लेकिन उसको वहाँ सिर्फ सूटकेस ही सूटकेस मिले। 7 बड़े सूटकेस पैक किए जा चुके थे। उस समय वो 10 वर्ष की थी। उसने हल्की आवाज़ में पूछा, मम्मी क्या हम लोग छुट्टियाँ बिताने बाहर जा रहे हैं? नहीं बेटी, सिर्फ मम्मी और पापा जा रहे हैं किसी काम पर। हमारी बेटी अनामिका यहाँ अपनी दादी के साथ ही रहेगी। मम्मी हम लोग आपके साथ क्यों नहीं जा सकते? नहीं अनामिका, तुमको स्कूल जाना होगा, तुम्हारे दोस्त हैं और इतना प्यार करने वाली दादी जी भी है तुम्हारे साथ। उसके माता पिता चले गए। जाने से पहले उन्होंने कहा, मम्मी पापा तुमको बहुत प्यार करते हैं, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। वो रात छोटी अनामिका ने अपनी दादी की गोद में ही बिता दी। वो रात भर सोचती रही कि उसके मम्मी पापा क्यों चले गए थे। वो सोच रही थी कि वो कब वापस आएंगे। उसके मम्मी पापा, दादी और भाई बहनों के अलावा उसकी एक दोस्त थी शिवानी। वो हमेशा अनामिका का साथ देती थी। अनामिका को याद आने लगा कि एक दिन उसके कॉलेज का सांस्कृतिक कार्यक्रम था। उसके कंधों पर बहुत जिम्मेदारियां थी। वो बहुत ही व्यस्त थी उस दिन। उस कार्यक्रम के दौरान ही उसकी मुलाकात गौरव से हुई थी। गौरव को सजा दी गई थी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान उसको आयोजन के लिए काम करना था। उसको अनामिका के साथ काम करना था। वो एक अमीर घर का लड़का था। वो काम करते करते अनामिका के साथ बातें करके उसके नज़दीक आना चाहता था, परंतु अनामिका उसको काम पर ध्यान करने को कहती थी। जब अनामिका गौरव के बारे में शिवानी को बताती थी तो शिवानी हंसती थी। एक दिन गौरव ने अनामिका से सहयोग मांगा। उस दिन ही अनामिका के मन में गौरव के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। एक दिन गौरव ने अनामिका से उसको पढ़ा देने का अनुरोध किया। वो पास होना चाहता था। गौरव ने कहा कि अगर वो इम्तिहान में फेल हो गया तो उससे सभी विलासिता की चीज़ें छीन ली जाएंगी। अनामिका का दिल पिघल गया और वो मान गई। कुछ दिनों में वो दोनों एक दूसरे के पास आने लगे। अंत में जब परिणाम आए, गौरव प्रथम आया और अनामिका दूसरे स्थान पर थी। वो गौरव की सफलता पर बहुत खुश थी। कुछ देर बाद वो उदास हो गई क्योंकि वो कॉलेज का अंतिम दिन था। वो दुखी हो गई क्योंकि वो फिर से गौरव से नहीं मिल सकेगी। कुछ ही दिनों में वो गौरव की कमी महसूस करने लगी। उसने अपने प्रेम को स्वीकार करने का निर्णय किया। अनामिका को एक एक शब्द याद है जो गौरव ने कहा था।
उस दिन गौरव ने कहा था, अनामिका तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, परंतु प्रेम के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम विशेष हो और तुम औरों से फ़र्क भी हो, और तुम बहुत सफल भी हो जाओगी। अगर मैं तुमसे प्रेम करने भी लगूँ तो भी मैं तुमको नहीं पा सकूँगा, कृपया मुझे माफ़ कर दो। उस दिन दोनों की ही आंखों में आंसू थे। उस रात भी अनामिका अपनी दादी की गोदी में सर रखकर बहुत देर तक रोई थी। पहले उसके मम्मी पापा उसको छोड़कर चले गए थे और अब गौरव भी चला गया था। कुछ महीनों के बाद ही दादी जी की भी मृत्यु हो गई। उस दिन अनामिका ने एक भी आंसू नहीं बहाया, शायद उसकी सभी भावनाएं मर चुकी थी। उसको याद आया कैसे उसके दफ्तर में उसके बॉस उसकी प्रशंसा करते थे और उसके साथ काम करने वाले उससे जलते थे। वो एक सफल व्यापारी स्त्री हो गई थी। उसके साथ काम करने वाले समझते थे कि अनामिका का जीवन बहुत ही खुशहाल था, परंतु उसके दुखों को कोई भी नहीं देख सकता था। अचानक वो यादों से निकलकर बाहर आ गई। उसकी कार अस्पताल के पास पहुंच चुकी थी। उसने कार को अस्पताल के बाहर ही रोक दिया, वो अंदर चली गई। अचानक उसके कंधे पर एक पुरुष के हाथ का स्पर्श हुआ। वो मुड़ी तो देखा कि धीरज था। आज उसके साथ मेरी मीटिंग थी। मैं मीटिंग के बाद घर जा रहा था, तभी मुझे सूचना मिली कि एक कार दुर्घटना हो गई। मैं तुरंत ही अस्पताल पहुंच गया। मैं बहुत देर तक तुमको फ़ोन करता रहा, परंतु तुमने 15 मिनट के बाद ही फ़ोन उठाया। अनामिका को अपनी गलती का आभास हुआ। मैं अपने कमरे, धीरज ने कहा, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अनामिका, मैं समझ सकता हूँ कि तुम किस परिस्थिति से गुजर रही हो। शिवानी ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं यहाँ हूँ अभी और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अनामिका जानती थी कि धीरज उससे प्रेम करता था, पर वह उसके मन में धीरज के प्रति घृणा ही थी। वो कभी कभी सोचती थी कि क्यों वह धीरज को एक मौका नहीं देती थी। अनामिका ने धीरज के साथ एक लड़की को बैठे देखा। उसने पूछा, ये लड़की कौन है? वो ये गरिमा है, गौरव की बेटी। अनामिका ने आगे बढ़कर उस लड़की से कहा, हेलो गरिमा, तुम्हारा नाम बहुत खूबसूरत है, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वो लड़की मासूमियत से उस अपरिचित अनामिका को देख रही थी, पर वो बोली, पापा कहते हैं मम्मी हमारे अंदर रहती हैं और एक दिन वो हमको मिलेंगी। अनामिका असमंजस में थी, क्योंकि उसको नहीं मालूम था कि उसको क्या करना चाहिए। कुछ देर के बाद डॉक्टर के पीछे पीछे गौरव को भी बाहर लाया गया। वो अनामिका को देखकर हैरान हो गया, धीरज भी वही था। गौरव को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अनामिका उसको मिलने आई थी। गौरव ने कहा, अनामिका मुझे माफ़ करना, मैंने तुमको नहीं बताया कि तुम्हारे ही दफ्तर में मेरी एक मीटिंग थी। मैं जानता था कि तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होगी। मैंने तुमको भूतकाल में दुख दिया था, पर मेरे लिए भी वो इतना आसान नहीं था। जब कॉलेज के बाद हमारे संबंध समाप्त हो गए, मैंने तुम्हारी कमी महसूस करनी शुरू कर दी थी। वो समय मेरे लिए बहुत ही कठिन समय था। मुझे नहीं मालूम था कि तुमने मेरे जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। मैंने तुमसे बहुत बार संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, परंतु शिवानी ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। वो ठीक ही कहती थी कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं था। एक वर्ष के अंदर ही मेरे माता पिता ने मुझे सीमा से शादी करने के लिए बाध्य कर दिया। वो सुंदर थी, परंतु मैं तुमको कभी भी नहीं भूला। मैं एक अच्छा पति नहीं बन सका। मैं जानता हूँ कि मुझे अपनी पत्नी सीमा को वो खुशियाँ देनी चाहिए थी जिसकी वो अधिकारी थी, परंतु मैं उसको कुछ भी नहीं दे सका। मैं बहुत कमज़ोर था अनामिका। जब अस्पताल में उन्होंने मेरी राजकुमारी, मेरी बेटी को मेरी गोद में दिया, मैंने उसका नाम गरिमा रख दिया। मैंने अपनी बेटी में तुमको देखा था। मैंने अपनी बेटी को सभी खुशियां देने का वचन लिया, पर अब मैं देखता हूं कि मैं किसी के जीवन को भी सुंदर नहीं बना सका। मैं हर मुकाम पर असफल रहा।
अनामिका की और गौरव दोनों की ही आंखों में आंसू थे। अनामिका नहीं जानती थी कि क्या उसको गौरव को एक थप्पड़ लगाना चाहिए या उसके साथ रोना चाहिए। उसके साथ साथ रोने का फैसला किया। दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए और बहुत देर तक रोते रहे। दोनों में से किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा। शब्दों की ज़रूरत भी तो नहीं थी। दर्द इतना गहरा था कि बोलने से वो और बढ़ जाता। उस रात गौरव का ऑपरेशन हुआ पर डॉक्टर उसको बचा नहीं सके। गौरव तो चला गया पर अनामिका जानती थी कि उसका कुछ अंश अनामिका के अंदर जिंदा था। कुछ देर बाद अनामिका गरिमा की उंगली थामे धीरज के साथ अस्पताल से बाहर निकल रही थी। जिंदगी ने तीनों को ही एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। गौरव के अंतिम संस्कार के एक महीने के बाद ही धीरज और अनामिका पति पत्नी बन गए और उन्होंने गरिमा को गोद लेकर अपनी बेटी बना लिया। अनामिका गर्व महसूस कर रही थी कि वो शादी के सिर्फ एक महीने के बाद ही एक 8 बरस की बेटी की माँ बन गई थी और उस बेटी में उसके गौरव का एक अंश जीवित था। मित्रों, प्रेम तो हमेशा से ही एक पहेली रहा है, परंतु और भी रहस्यमय प्रेमी होते हैं जिनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। भाग्य का भी बहुत बड़ा हाथ होता है प्रेमियों को मिलाने या अलग करने में। कोई नहीं जानता कि प्रेम का आगाज अच्छा होते हुए भी अंत क्या होगा है। आप भी सोचिए और निष्कर्ष निकालिए कि क्या भाग्य की भूमिका होती है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।